जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, तो सभी छात्र वेट कर रहे हैं कि उनका स्कॉलरशिप वाला पैसा उनके खाते में कब से आएगा। तो फाइनली गाइस, आज की डेट में आपको स्कॉलरशिप देने के लिए कुछ ऑफिशियल अपडेट सामने आ रही है, जो मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि आप सभी का पैसा आने वाला है। तो फाइनली गाइस, ऐसी कौन सी अपडेट है जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखना। ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब गाइस यहाँ पे आप साफ साफ देख पाएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि छात्रों के खाते में पहले राज्यांश का 40% भेजने का है नियम। तो गाइस आपको इस नियम में बताया जा रहा है कि बता दे कि SC ST छात्रों को 40% भुगतान राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार करती है। नियम है कि जब छात्रों के खाते में राज्यांश भेज दिया जाएगा तब उनका डाटा केंद्रांश के लिए पोर्टल में साझा किया जाएगा। इन छोटे छात्रों के खातों में राज्यांश का 43 करोड़ रुपये भेजकर ये डाटा केंद्र सरकार ने साझा करने का अंतिम तिथि 15 जून तक की गई थी, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। समाज कल्याण विभाग की अधिकारियों के मुताबिक संबंधित फाइल फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही 40% अजान खातों में जाएगा, इसके एक सप्ताह के भीतर केंद्रांश भी इसके खातों में आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका जो पैसा भेजा जाना था वो 15 जून तक भेजा जाना था, और जो मैं आपको रेगुलर बोल रहा हूँ कि पैसा आपका आएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं फेक बता रहा हूँ, बुला बता रहा हूँ, लेकिन गाइस आप यहाँ पे गलत थे। अब यहाँ पे देखिए, 15 जून तक पैसा भेजा जाना था, लेकिन पैसा ये भेजा नहीं गया था, अभी पैसा नहीं भेजा गया है। तो यहाँ पे गाइस अब ये पैसा आपका भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस 7 दिनों के अंदर गाइस, मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विचाराधीन है, जैसे ही 40% राज्यांश खातों में जाएगा, उसके एक सप्ताह के भीतर केंद्रांश भी अपने खाते में आ जाएगा। तो मतलब ही गाइस, अगर आपका जो भी 14,000 पैसा आपको जो पे करती है राज्यांश, जो आपका राज्य सरकार पे करती है, उसको भेजे जाने के बाद आपकी केंद्र सरकार भी आपके खाते में एक हफ्ते के अंदर पूरी अमाउंट आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे अब आपके लिए खुशखबरी तो आई गई है, तो आप टेंशन मत लेना, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो आपका पैसा आने वाला है। अब गाइस हम बात करते हैं कि आप अपने स्टेटस को कहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। तो गाइस आपको अपने स्टेटस को चेकआउट करने के लिए कि आपका वेरीफाई है कि वेरीफाई नहीं है, गूगल पर सर्च कर लेना boardsexam.com। वेट यहाँ पे गाइस, जैसे यहाँ पे boardsexam.com सर्च कर लेते हैं, boardsexam.com की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आएगी। आपको सिंपल में नीचे यहाँ पे आना होगा, नीचे यहाँ पे आकर यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023 यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे गाइस आते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको आना होगा, बहुत सारी लिंक्स अवेलेबल है जहाँ से आप अपने स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से boardsexam.com विजिट करो और यहाँ से आप स्टेटस चेकआउट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।